बच्चों स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, उसमें आज हम आप लोग का तीसरा लेक्चर होने वाला है। दो लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम वर्क एनर्जी को पढ़ भी चुके हैं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे पावर को, ठीक। आप देखते हैं आपके अंदर कितना ज्यादा पावर है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। स्पेशल क्या है, पावर है, ठीक है। तो पावर की डिफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई ए पर्सन और मशीन इज सेड टू बी पावर ऑफ पर्सन और पावर ऑफ मशीन। मतलब आप किसी वर्क को कर रहे हैं, उसको वर्क को, चाहे जो वर्क हो, उसको बहुत कम से कम समय में अगर आप करते हैं तो आपकी पावर को दर्शाता है। मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है तभी आप इस वर्क को बहुत कम से कम समय में कर पाए हैं। अगर आपके पास पावर बहुत कम होती तो आपके जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता, ठीक है। तो चाहे मशीन करती है कोई कार्य या आप खुद करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अगर कम से कम समय में करेंगे तो वही आपका पावर दर्शाता है। आपके अंदर कितना ज्यादा पावर है वो टाइम पर डिपेंड होता है, ठीक। तो उसका फॉर्मूला होता है पावर का, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन आ जाएगा, ठीक है। कितनी ज्यादा पावर है आपके अंदर उसको आप चाहे पावर कहिए चाहे आप ये कह दीजिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क का होता है, अगर आप जैसे ये कह सकते हैं नीचे एवरेज के लिए है, तो अगर आप एवरेज में तीन चार वर्क कर चुके हैं पहले से, अगर आप उसका एवरेज टाइम निकालना चाहते हैं, एवरेज पावर कि हमारा कितना एवरेज पावर है, हम कम से कम कितना एवरेज पावर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए होता है, यहाँ पे डिफिनेशन पहले देख लीजिए उसके बाद हम फॉर्मूला अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे है इफ ए पर्सन और मशीन परफॉर्म वर्क, वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन टाइम, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट्स एवरेज पावर इज गिवन बाय पी एवरेज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल टी, ठीक है। तो मतलब यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहे हैं उसको कम से कम समय में निपटा रहे हैं। मतलब चाहे जो वर्क आप कर रहे हैं उसको कम से कम समय में निपटा रहे हैं तो वही आपकी क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है। मतलब अगर तीन चार वर्क कर रहे हैं आप अपना एवरेज निकालना चाहते हैं, तो अगर तीन वर्क किए हैं तो तीनों वर्क जो आप यहाँ से इस फार्मूले से अपना पावर निकालेंगे, ठीक है, उस पावर को इंटू जितना होगा तीनों ऐड कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई थ्री कर देंगे तो वही आपका एवरेज आ जाएगा। मतलब कि आप एक वर्क को करने में कितना ज्यादा कम से कम समय लगाए हैं आप, वही आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, मतलब हम देखेंगे वर्क में और पावर में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं वर्क की पहली पॉइंट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्टेंस ऑफ फोर्स। मतलब कि आप ये कह सकते हैं जो भी आपका वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो फोर्स के इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस ऑफ फोर्स के भी इक्वल होता है, ठीक है। पहली पॉइंट वर्क की ये है, और दूसरी की पॉइंट है इसकी, वर्क डन इज इनडिपेंड ऑफ टाइम, ये टाइम पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक। वर्क डन आप चाहे जितने समय में कीजिए इसमें डिपेंड नहीं है, आप चाहे एक घंटे में करिए चाहे वर्क को, चाहे दो घंटे में चाहे दो दिन में करिए, कोई डिपेंड नहीं है, यहाँ पे है इनडिपेंड है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ द वर्क डन इज जूल, और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर की, यहाँ पे है पावर ऑफ एन एजेंट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इट, मतलब ये क्या है, पावर ऑफ एजेंट, यहाँ पे अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो वो आपका क्या दर्शाता है, वो आपकी पावर दर्शाता है, कम से कम समय में करना वही आपकी पावर होती है, मतलब उसकी वर्क की पावर एजेंट है। मतलब आप कम से कम समय में कीजिए तो वही आपकी एजेंट है, मतलब कितना ज्यादा आपके अंदर पावर है वही आपका बताता है ये, ठीक। इसकी दूसरी की पॉइंट है, पावर डिपेंड अपॉन द टाइम इन विच
वर्क इज डन, मतलब आप किसी वर्क को कितने समय में उसको वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड होता है, टाइम पर। यहाँ पे अगर पावर में बात करेंगे तो वो टाइम पर डिपेंड होता है और यहाँ पे वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक। तो यही इसमें अंतर है, वर्क में क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है और इसमें पावर में डिपेंड अपॉन द टाइम। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये टाइम पर डिपेंड करता है पावर और इसमें इंडिपेंडेंट है। इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज वाट, इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला। चलिए फिर देखते हैं इसका डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ पावर देखते हैं इसका, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी, मतलब वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वर्क का क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी के पावर माइनस 2 बाय टी, ठीक। टाइम का टी ही होगा और वर्क का ये होता है, ठीक। अगर आप इसको जब और इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल 2 टी की पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये इसका वर्क का ये होता है, ये वर्क का होता है और ये आपका हो जाएगा पावर का, ठीक है। अगर आप इसमें ये जो बगल में ब्रैकेट लगा है, अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर 0 हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर, बी नो दैट पावर इज गिवन बाय पी इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, इतनी बार बोल देंगे P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जो कि आपको सिर्फ वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है और इसकी एसआई यूनिट वही होती है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम को सेकेंड, ठीक। तो जूल बाई सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप और लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये बाई को आप पर भी कह सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और इसको हम कहते हैं जे इनवर्स, यस, ठीक है। ये इनवर्स है, ठीक, ये जो लगाए हम यहाँ पे इनवर्स है, इनवर्स मतलब जे बाई यस, यही है, ठीक। इसका मतलब ये है इनवर्स का, और जे इनवर्स इज आल्सो नोन एज वाट, और ये क्या है, वाट है, पावर की यूनिट वाट ही तो होती है, तो इसको हम वाट भी कह सकते हैं। और वाट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू, ये है, ठीक। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 सेकंड, ठीक है। दैट इज, ये दैट इज इसको शॉर्ट फॉर्म में दैट इज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज 1 वाट इक्वल टू 1 जे यस इनवर्स, ठीक है। तो वही हो गया, मतलब 1 जूल बाय 1 सेकंड, यही है, ये यस क्या है, सेकंड है, और जे जूल है, तो मतलब 1 जूल बाय 1 सेकंड, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है, अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास ताकि जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।